नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। AVVP रायगढ़ द्वारा प्राइवेट परीक्षा में सीट बढ़ोतरी करने ज्ञापन सौंपा गया। समय रहते समस्या का समाधान नहीं होने पर AVVP ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को भी इसी मांग का ज्ञापन NSUI ने कुलपति के नाम दिया है, जिसमें NSUI ने भी सीट बढ़ोतरी की मांग रखी है। छात्रहित में दोनों ही छात्र संगठन खुलकर सामने आए हैं। वर्तमान में यह देखा गया है कि स्वाध्यायी और नियमित छात्रों की संख्या में इस वर्ष काफी इजाफा हुआ है। महाविद्यालयों में सीटों की संख्या सीमित है, जिसकी वजह से बहुत से छात्र इस वर्ष पढ़ाई करने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में छात्रों के हितों को देखते हुए महाविद्यालय में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी किया जाना आवश्यक है। बहरहाल NSUI और AVVP ने अपनी मांग कुलपति के समक्ष रखी। देखना यह होगा कि यूनिवर्सिटी उनकी मांगों को पूरी करती भी है या छात्रों को अपनी मांग मनवाने आंदोलन की राह पकड़नी होगी। द्वारा जो प्राइवेट एग्जाम फॉर्म का विषय है, उस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अभी देखने को मिल रहा है कि पूरे रायगढ़ भर में जितने भी कॉलेज हैं, यहाँ सब में बहुत कम सीटें दी गई हैं, जो कि स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही फुल हो चुकी थी। यानी कि आज के डेट में भी यदि हम लोग अगर देखें तो कहीं भी सीटें खाली नहीं है। BA तक के विषय में सीट फुल हो चुकी हैं, तो इसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के बीच एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं हमारा साल व्यर्थ न चल दे, कहीं हम लोग इस साल पढ़ाई से वंचित न रह जाए, ऐसा टाइप से छात्रों के मन में सवाल उठने लगे हैं। तो इन सभी सवालों को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में जो है प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। और यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है समय रहते, तो विद्यार्थी परिषद ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और छात्र हित में हम उग्र से अति उग्र आंदोलन करेंगे यदि हमारी मांगें पूरे नहीं होती है। इनकी मांग ये है कि सभी महाविद्यालयों में जो प्राइवेट परीक्षार्थी हैं, उनकी सीट को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनकी मांग है कि महाविद्यालयों में जो प्राइवेट परीक्षार्थियों की जो सीट संख्या है, उसको बढ़ाया जाए।